अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब एंड आई टीच इन मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल, क्लास फोर्थ, मैथ, पेज नंबर है 4, सेकंड लेक्चर है आपका। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके बाद क्या आता है, 5908 के बाद क्या आता है, ये हम आपको करके दिखाते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ करके, ये वही क्वेश्चन है 5908 के बाद क्या आता है, और हमें तब पता चलेगा इसके बाद क्या आता है अगर हम इसमें एक ऐड कर देंगे, 1 को इसमें प्लस कर देंगे। तो 1 को प्लस करके देखते हैं क्या आता है, 5908 में 1 प्लस करते हैं, 8 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 9, 0 उसी तरह नीचे आ जाएगा, 9 भी उसी तरह नीचे आ जाएगा और 5 भी उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 5909। अब ये हम इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है 4659 के बाद क्या आता है। अब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या आता है, 4659 के बाद क्या आता है। अब 9 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 का 0 नीचे लगाएंगे और 1 ऊपर कैरी चले जाएगा। अब 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6, और ये 6 उसी तरह नीचे आ जाएगा और साथ में 4 भी उसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3099 के बाद क्या आता है। अब 9 में हम 1 ऐड करें तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चले जाएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आएगा और 1 कैरी चले जाएगा। 0 में 1 ऐड करें 1 आएगा और 3 उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3100। उसके बाद क्वेश्चन है 9170 के बाद क्या आता है। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा क्या आता है, 0 में 1 ऐड करो, 1 आ जाएगा, 7 सेम नीचे आ जाएगा, 1 भी नीचे और 9 भी नीचे आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 9171। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6010 के बाद क्या आता है। अब 0 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 वैसे का वैसे नीचे, 0 उसी तरह नीचे और 6 भी सेम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6011। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009। अब 2009 में 1 ऐड करो तो क्या आता है, 9 में 1 प्लस किए तो 10 आएगा, 0 नीचे लगेगा और 1 कैरी चले जाएगा। 0 में 1 ऐड किया, 1 आ जाएगा, ये 0 उसी तरह आ जाएगा और 2 भी उसी तरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2010। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इससे पहले क्या आता है। अब इससे पहले हमें तब पता चलेगा क्या आता है अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे। तो अब इसको, इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड, अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इससे पहले क्या आता है।
अब देखें, ज़ीरो में से वन माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो क्या करेगा वन, ये ज़ीरो इधर से कैरी लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा, इसके पास टेन हो जाएंगे और इसके पास, अब ये इससे कैरी लेगा तो इधर हो जाएंगे टेन, इधर नाइन और इधर ज़ीरो। अब टेन में से वन माइनस करेंगे तो नाइन आएगा, ये नाइन नीचे आ जाएगा, ये ज़ीरो भी नीचे आ जाएगा और ये सेवन। क्या आंसर आएगा? 7099। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6089 से पहले क्या आता है? अब अगर हम 9 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 8। अब ये 8 बिल्कुल वैसे सेम का सेम आ जाएगा नीचे, ये 0 और ये 6। क्या आंसर आया? 6088। अब ये क्वेश्चन है, 4289 से पहले क्या आता है? अब 9 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 में से 1 माइनस किया, क्या आया? 8 आंसर आया, इधर लिख देंगे 8। ये 8 बिल्कुल सेम नीचे आ जाएगा, ये 2 भी और ये 4 भी, तो क्या आंसर आया? 4288। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8080 में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आंसर आता है? चेक करते हैं क्या आंसर आता है। अब 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या लेगा? इधर से कैरी लेगा, इधर आ जाएंगे 7 और इधर हो जाएंगे 10। अब 10 में से 1 माइनस करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है? 9। ये हम 9 इधर लिख देंगे, 7 बिल्कुल सेम नीचे आ जाएगा, ये 0 भी और ये 8 भी। क्या आंसर आएगा? 8079। अब आएगा ये वाला क्वेश्चन, 3702 में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आएगा? अब 1, 2 में से 1 माइनस करें तो आंसर क्या आता है? 1। ये 0 सेम नीचे, ये 7 भी सेम और ये 3। तो 3702 से पहले क्या आता है? 3701। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4010 में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आता है? अब 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे, तो इधर हो जाएगा 10, इधर 0। 10 में से 1 माइनस करें, 9, ये 0 सेम आ जाएगा नीचे, ये भी 0 सेम और ये 4 आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 4009। मतलब 4010 से पहले क्या आता है? 4009। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कह रहा है पुट द प्रॉपर साइंस, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन और इक्वल इन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स के दरमियान लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये आपके सामने एक फिश बनी हुई है। अब फिश अगर भूखी हो तो हमेशा जो बड़ी चीज़ होगी उसको खाएगी। अब फिश का आप माउथ देखें, ये वाला जो माउथ है, तो ये हमेशा
उस तरफ होगा जो चीज़ बड़ी होगी, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेटर देन, और ये वाली साइड क्या होगी, लेस देन। ओके, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अब देखें 6090 बड़ा होता है या 6009, जाहिर सी बात है 6090 बड़ा होता है किससे, 6009 से। तो ग्रेटर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, फिश किस नंबर को खाएगी, 6090 को। तो हम क्या फेस फिश का जो माउथ है किस तरफ होगा, 6090 की तरफ। अब 6000 इसको इस तरह पढ़ेंगे, 6090 ग्रेटर देन 6009 एंड 6009 लेस देन 6090। अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 4709 एंड सेकंड क्या है, 4079। अब कौन सा नंबर बड़ा है, 4709 बड़ा है, तो फिश किसको खाएगी, 4709 को। तो इसका माउथ किस तरफ होगा, इस तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन है 5000, अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, 4709 ग्रेटर देन 4079, और इस तरह भी पढ़ेंगे 4079 लेस देन 4709। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें क्या है, 5089 और सेकंड क्या है, 8095। अब कौन सा ग्रेटर नंबर है, 5000 वाला या 8000 वाला, जाहिर सी बात है 8000 वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो फिश का माउथ किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है, इसको खाएगी फिश। अब क्या लिखेंगे, 8095 ग्रेटर देन 5089, या पढ़ेंगे इस तरह, 5089 लेस देन 8095। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्या है, 8225। दोनों वैल्यूज सेम है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल, यानी ये बराबर हैं दोनों, ये लिख दिया इक्वल मतलब सेम। अब इसको पढ़ेंगे 8225 इक्वल टू 8225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6007 और सेकंड वैल्यू क्या है, 6700। अब ग्रेटर कौन सी होगी, 6700 वाली ग्रेटर होगी, तो फिश किसको खाएगी, 6700 वाले को, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। तो क्या हम पढ़ेंगे इसको, 6007 लेस देन 6700, और इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 6700 ग्रेटर देन 6007। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9998 और सेकंड क्या है, 9989। अब कौन सी वैल्यू कौन सा नंबर ग्रेटर है, किसको फिश खाएगी, ये वाला नंबर 9998। तो फेस माउथ किस तरफ होगा फिश का, इस तरफ। अब इसको किस तरह पढ़ेंगे, 9998 ग्रेटर देन 9989, या इस तरह पढ़ेंगे 9989 लेस देन 9998। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड राइट इट इन द बॉक्स। सर्कल करना है जो स्मॉलेस्ट नंबर है और उसको बॉक्स में लिखना है। अब देखें कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। एक नंबर है 3628, सेकंड नंबर है 3268, थर्ड नंबर है 3862 और ये है 3962। अब देखें कौन सा स्मॉलेस्ट है। इधर है 1000, इधर 3000, 3000, 3000, 3000, उसके बाद देखें ये 6000, ये 2000, 8000, 9000। अब इधर है 3000, इधर भी है 3000, इधर भी है 3000, इधर भी है 3000, सॉरी उसके बाद आएगा ये 100 है, 600, 200, 800, 900। अब देखें 1000 तो सबके सेम है, अब 100 देखते हैं 600, 200, 800, 900। अब किसका 100 स्मॉलेस्ट है, 2 का, तो कौन सा सेकंड वाले का 100 स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। क्या नंबर आएगा इसका, 3268। अब नेक्स्ट चलते हैं 7100, 7010, 7001, 7011। अब 1000 देखेंगे सबसे पहले, 7000 इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। अब 100 की तरफ चलते हैं, इधर 100 है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब 10 की तरफ चलते हैं, इधर 10 है, इधर 11 है और इधर 1 है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 1 वाली, 7001। तो इसको हम लिख लेंगे इधर 7001। अब नेक्स्ट चलते हैं 9260, सेकंड क्या है 9062, थर्ड क्या है 9026 और 9102। अब देखें 1000 सबके सेम है 99, 100 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये भी नहीं होंगे। उसके बाद क्या आएगा 9062 और 9026। अब 62 बड़ा होता है और 26 छोटा है, तो क्या आएगा ये वाला 9026। इधर लिख देंगे 9026। अब ये क्वेश्चन है 5281, सेकंड क्या है 5182, थर्ड क्या है 5082 और ये क्या है 5081। अब देखें 1000 तो सबके सेम है, 100 इसमें 200 है, इसमें 100 है और इनमें नहीं है। अब 100 वाले तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अब 10 वाले देखते हैं 5082 और 5081। अब लेस नंबर कौन सा है, 81 वाला, तो हम 81 वाले को सर्कल कर लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 5081। अब क्या आएगा 6490, सेकंड है 6049, 6149 एंड 6050। अब 1000 सबके सेम है क्योंकि 6000 आ रहा है सबके साथ। उसके बाद 100 देखें, इसके साथ 400 है और किसी क्वेश्चन के साथ 100 है इसके साथ। अब ये दोनों तो नहीं होंगे, इसको भी, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। अब 10 वाली वैल्यूज देखते हैं 6049 और 6050 है। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 50 वाला या 49 वाला,
ज़ाहिर सी बात है 49 वाला स्मॉलेस्ट होगा, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे और क्या लिखेंगे, 6049. इस तरह ये हमारा लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कॉपी पे लिखना है।